बस जो अभी प्रिंटर है फ्रेंड, पीवीसी का प्रिंटर है फ्रेंड, इस पर नॉर्मल प्रिंटर भी प्रिंट भी कर सकते हो। और फ्रेंड जैसे आप देख रहे हो अभी प्रिंटर में जो एरर आ रहा है, इसके जो सब लाइट है ये सब रेगुलर बेस पे ब्लिंक कर रही है, तो आप इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, कैसे आप इसको बंद कर सकते हो, और आपको फ्रेंड क्या क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कुछ प्रॉब्लम फेस कर दो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हो मैं पीवीसी का प्रिंट करने जा रहा था, उसका जैसे मैंने प्रिंटर ऑन किया मुझे ये एरर मेरे सामने आने लगा है। ओके तो फ्रेंड इसके ऑफ करने के लिए आपको क्या करना हो, जैसे मैं अभी एक ट्रे को साइड में कर लेता हूँ और इसके ऊपर का कवर जो है फ्रेंड मैं कवर इसको अप करता हूँ, और इसके बाद जो इसका ये ड्राइवर है मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो फ्रेंड आपको इसको बैक करना है, जैसे आप इसको बैक कर दो फ्रेंड जो इसका एरर था फ्रेंड वो रिसेट हो जाएगा। ये बैक करने का मैं इसका अभी जो कवर है इसको बंद कर देता हूँ, और वापस मैं लाइट के बाद आपको दिखाता हूँ जो इसका लाइट है फ्रेंड रेगुलर बेस पे अभी भी ब्लिंक कर रहा है। ओके अब मैं इसको बंद कर दूंगा, तो आपको इसको ऑफ करना है। तो फ्रेंड जैसे आप इसको ऑफ करोगे ये थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद फ्रेंड आपको उसको वापस रीस्टार्ट करना है। तो फ्रेंड जैसे ये बंद हो चुका है आप देखो इसका पावर जो फुल्ली बंद हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा मैं उसका पावर वापस रीस्टार्ट करूंगा। तो जैसे फ्रेंड मैंने इसे पावर को रीस्टार्ट किया फ्रेंड आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होने के लिए फ्रेंड जैसे ये 10 से 15 सेकंड लेता है। ओके तो इसके जितने भी लाइट अभी रेगुलर वैसे ब्लिंक कर रही है फ्रेंड आप देख सकते हो 1, 1, 2, 3 लाइट जो इसकी ब्लिंक कर रही है बंद हो जाएंगे अभी थोड़े टाइम में, और जो प्रिंटर है वापस रिसेट हो जाएगा। और रिसेट होने के बाद फ्रेंड आपको मैं लास्ट से बताऊँ फ्रेंड आप किस तरह इसको सॉल्व आउट कर सकते हो अगर आपका ही प्रिंटर रेगुलर वैसे ब्लिंक कर रहा है तो। ओके तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसके 3 लाइट जो ब्लिंक कर रहे थे अब सिर्फ 1 लाइट ब्लिंक कर रहा है। ओके और प्रिंटर अभी रिसेट हो रहा है, इसके अंदर से आवाज़ आ रहा है। ओके तो अब भी आप देख सकते हो फ्रेंड जो इसका एक ही लाइट जल रहा है फ्रेंड, जो जितने भी लाइट सब चल रहे थे इसके सब बंद हो गए। ओके अब मैं क्या करूँगा इसको ट्रे को उठाऊंगा और इसको मैं पीवीसी काट के ट्रे में डाल दूंगा। ओके तो प्रिंटर अभी वापस रिस्टार्ट होगा और वापस ब्लिंक करेगा। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो वापस सिंगल लाइट स्टार्ट हो गया है, तो मैं अभी जो ट्रे है ट्रे को वापस इंसर्ट करूंगा और मैं इसको सेट कर दूँ। फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने ट्रे को इंसर्ट करके सेट कर दिया और अभी इसका लाइट बंद हो चुका है। तो फ्रेंड आप इस तरह सेट इसको सेट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो आपके एरर को। अगर आप इसके लिए कंपनी वाले को बुलाते तो इसके लिए आपको ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता और आपसे चार्ज लेके ही जाते, पर इस तरह आप इसको ईजिली बंद कर सकते हो। इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, और अपने भाई को सपोर्ट करेगा। थैंक यू।